हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं अपना नया व्लॉग लेके, और अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा घूमने, क्योंकि पता ही है कि नवरात्रि भी लगे हैं, तो फिर थोड़ा मंदिर की ओर जा रहे हैं मैं और मेरा भाई। तो फ्रेंड्स, भाई साहब कर रहे हैं आगे वेट, तो मैं जा रहा हूँ अभी उनके पास, और साथ में नीचे से बंदर चले हैं। तो फ्रेंड्स, बंदर तो शिमला में आतंक इन्होंने मचा ही रखा है। तो फ्रेंड्स, नवरात्रा आज शायद सातवां नवरात्रा है, तो फिर सोचा हमने कि मंदिर जाके आते हैं। तो अभी माता का मंदिर है यहीं पहाड़ी पे, कालीबाड़ी, तो फिर हम अभी वहाँ तक जा रहे हैं। तो आगे भाई भी मेरा वेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, चलते चलते हम पहुँच चुके हैं रास्ते में, और हमें रास्ते मिल गए हैं कोई अपने। तो हेलो। तो फ्रेंड्स, इनसे तो आप पहले भी मिल चुके हैं और मिलते ही रहते हैं आप इनसे। तो भाई कहाँ जा रहे हैं अभी हम? भाई हम जा रहे हैं मंदिर। कौन सा मंदिर है भाई? भाई कालीबाड़ी, कालीबाड़ी मंदिर जा रहे हैं। फ्रेंड्स, तो आज है नवरात्रा, भाई सातवां नवरात्रा है ना आज? हाँ जी, सप्तमी। तो आज है सप्तमी, और हमने सोचा कि जब नवरात्रे लगे हैं तो फिर माँ के दर्शन भी किए जाए। तो फ्रेंड्स, ये है रास्ता, यहाँ से चल रहे हैं। भाई कितना दूर होगा यहाँ से? पता नहीं सर, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम भाई जा रहे हैं? फर्स्ट टाइम, मैं एक बार पहले भी जा चुका हूँ, लेकिन अब जा रहा हूँ दोबारा। अब नवरात्रे लगे भाई, तो रश तो होगा ही वहाँ पे। नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं मंदिर, और मंदिर है सामने, आपको दिखा देते एक बार मंदिर का रास्ता। तो फ्रेंड्स, हम मंदिर में तो एंटर कर चुके हैं, और यहाँ पे है बहुत सारी दुकानें लगी हुई। तो नवरात्रों के टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा रश रहता है, भीड़ भाड़ देख सकते हैं, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं भी आया हूँ यहाँ पर पहले। तो फ्रेंड्स, यहाँ उतारेंगे हम लोग जूते। तो फ्रेंड्स, जूते उतारने के लिए हम जो कैंप है, और यहाँ उतारते हैं सब अपने जूते। तो भाई, हम जूते उतारेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जूते उतार लेते हैं, फिर जाएंगे आगे मंदिर में। तो हम लोग हो चुके हैं एंटर, और मंदिर का ये है नज़ारा, हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ से हो गए हम मंदिर में एंटर। मंदिर का अगुन के लिए चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है मंदिर का नज़ारा, ये पूरा बना है। तो फ्रेंड्स, ये है मंदिर का पूरा नज़ारा, कालीबाड़ी मंदिर। निश्चय आ जाओ, आपको दिखाते हैं, आगे आ जाओ। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, भोलेनाथ जी का भी मंदिर है यहाँ पे सामने, तो अभी इसके दर्शन भी करेंगे हम अभी। तो फ्रेंड्स, नवरात्रों के टाइम यहाँ रहता है बहुत ज़्यादा रश, देख सकते हैं आप किस तरह से रश बना है। और मंदिर में कैमरा भी अलाउड नहीं होता है, कि मैंने पर थोड़ा सा तो ले लिया, पर अलाउ नहीं यहाँ पे। और देख सकते हैं आप नज़ारा, तो यह है कालीबाड़ी माता का प्रसिद्ध मंदिर, जो कि शिमला के साथ ही, रिज मैदान के साथ ही आपको देखने को मिल सकता है, बारी साइड को। तो फ्रेंड्स, अब हम हो रहे हैं शिव जी के मंदिर में एंटर, तो दिखा देते हैं आप लोगों को। ये है पीछे मंदिर का नज़ारा, जो है आप लोगों के सामने, पीछे देख सकते हैं आप किस तरह से मंदिर का नज़ारा, माँ कालीबाड़ी माता का मंदिर। और सामने का नज़ारा भी दिखा देता हूँ, कि यहाँ से शिमला भी पूरा दिखाई देता है।
सामने है मंदिर का नज़ारा और भाई हो चुके हैं हमारे बीच। भाई क्या कर रहे हैं आप? भाई फ़ोन में फंसे हुए। भाई कितने साल पुराना मंदिर, की मंदिर की हिस्ट्री क्या है इसकी? सर आई डोंट नो, आपको पता नहीं है? नो no. तो फ्रेंड्स ये है कौन सी माता, शायद दुर्गा माता का ये मंदिर है। तो फ्रेंड्स मंदिर के हमने दर्शन तो पूरे कर लिए हैं और अब हम दिखा देते हैं आप लोगों को एक बार जाते जाते मंदिर का पूरा नज़ारा। ये है माता फ्रेंड्स ये था कालीबाड़ी माता मंदिर का जो रास्ता है जहाँ से आते हैं वो है। और फ्रेंड्स हमने दिखाया आज आपको कालीबाड़ी माता का मंदिर और अब हम चल रहे हैं वापस क्योंकि अब आए तो लाइब्रेरी है तो फिर थोड़ा पढ़ भी लेते हैं जब आए हैं। तो फ्रेंड्स अब जा रहे हैं वापस, वहाँ के दर्शन भी हो गए हैं और थोड़ी देर हमने वहाँ पर पूजा भी कर ली है तो वापस भी जाना पड़ेगा क्योंकि अब भाई साहब को आ गया है थोड़ा काम। तो भाई क्या काम आया आपको आज? भाई लाइब्रेरी पढ़ने जाना। तो भाई को जाना है लाइब्रेरी पढ़ने क्योंकि अब टाइम भी बहुत हो चुका है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे। फ्रेंड्स मंदिर के दर्शन तो हमने कर लिए थे और अब हम जा रहे हैं बस स्टैंड की ओर क्योंकि भाई को आ गया है थोड़ा बहुत काम। तो फ्रेंड्स हमने लिया है गलियों के बीच से एक शॉर्टकट क्योंकि आगे से जो सड़क जाती है वो थोड़ी दूर था लेकिन हम थोड़ा शॉर्टकट से जा रहे हैं। तो यहाँ से बस स्टैंड है तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर होगा यहाँ से बस स्टैंड। और अभी जाते ही वहाँ पे काम कराना है, फिर जाना है लाइब्रेरी और फिर लंच भी करना है। तो अभी लंच का टाइम भी होने वाला है भाई, क्यों? तो भाई लंच का टाइम भी हो ही रहा है अभी। तो ये है शिमला की तंग गली है और नीचे है दयानंद पब्लिक स्कूल जो कि है बहुत पुराना स्कूल है यहाँ शिमला का। तो भाई स्कूल भी पूरी तरह से खुल चुके हैं ना भाई, बड़े भाई स्कूल पूरी तरह से खुल चुके हैं। स्कूल भी पूरी तरह से खुल चुके हैं, अब कोरोना इतना रहा नहीं। बाकी ये तो पता नहीं कि रहा है कि नहीं, ये तो आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। देख सकते हैं आप किस तरह से गोले बनाए थे जब कोरोना काल होता था, लेकिन अब तो इनका कोई प्रयोग नहीं रहा। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं दोबारा लाइब्रेरी और अब जा रहे हैं हम पढ़ने। तो फ्रेंड्स जो जो लोग इस ब्लॉग को देखें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। भाई एक आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। तो फ्रेंड्स आप ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और अब आपका भाई जाएगा पढ़ने।